एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां प्रश्न है, गोपी अपने जल जीव को एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छिक छाया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? अब जो दुकानदार है उसके पास एक टंकी है, और इस टंकी में पानी भरा हुआ है और उसके अंदर मछलियां हैं। तो मछलियां कितनी हैं? 5 तो नर मछली है, 5 है नर मछली और 8 है मादा मछली। 8 मादा मछली हैं तो दुकानदार क्या करता है, इसमें से एक मछली निकालता है और वो गोपी को दे देता है। तो एक मछली गोपी को निकाल के दे देता है। और दो पॉसिबिलिटी हैं, दो संभावना है कि ये जो निकाली गई मछली है वो नर मछली भी हो सकती है और मादा मछली भी हो सकती है। तो हमें बताना है कि क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली एक नर मछली है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है नर मछली निकलने की। तो प्रायिकता जो होती है वो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या होती है। तो ये होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कौन से होंगे जिससे हमें एक नर मछली मिले? तो नर मछली कितनी है? 5। और कुल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? 5 नर मछलियाँ मिल सकती है और 8 मादा। तो 5/13 इसका आंसर आ गया, 5/13। प्रश्न नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। तो ये एक गोल चकती है और इसमें कुछ नंबर बने हुए हैं 1 से लेकर 8 तक के। तो नंबर ऐसे बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पर एक यह सूचक लगा हुआ है। तो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये जो तीर है इसको घुमा दिया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित नंबर 1, 8 को करेगा? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो तीर है वो 8 को इंगित करेगा? अब जो 8 है वो ये फेवरेबल है हमारा अनुकूल 1, और टोटल ऐसे ऐसे कितने हैं? 8। मतलब ये जो तीर है वो 1 को भी दर्शा सकता है, 2 को, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल परिणाम हो गए 8, लेकिन उनमें से जो अनुकूल परिणाम कौन सा होगा जब ये 8 को दर्शाएगा? यानी कि 1 तो हमारे पास इसका अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितने संभव हैं? 8। तो 8 को इंगित करने की क्या प्रायिकता हुई? 1/8। दूसरा, क्या प्रायिकता है कि ये एक विषम संख्या को इंगित करेगा? विषम संख्या, अब जो विषम संख्या है वो देखो कौन कौन से है, 1, 3, 5 और 7। विषम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े पर नहीं आती हैं,
दो के पहाड़े पर नहीं आने वाले कौन कौन से हो? 1, 3, 5 और 7। तो 1, 3, 5 और 7 विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5 और 7। तो टोटल गिनती में है ये 4 और टोटल कुल कितने हैं परिणाम? 8। तो 4 से कट जाएगा 1/2। तीसरी चीज, क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ी संख्या को अंकित करेगा? 2 से बड़ी संख्या को अंकित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या हमारे पास है 3,